टीम इंडिया के तेज गेंदबाज और वर्ल्ड कप टीम के स्टैंड बाय खिलाड़ी मोहम्मद शमी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज से पहले मोहम्मद शमी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पर ऐसे में खबरों की माने तो मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर हो गए हैं। ऐसे में मोहम्मद शमी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, साथ ही उनकी टीम इंडिया में वापसी को लेकर भी एक बड़ा झटका माना जा सकता है। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान पहले ही हो चुका है। मोहम्मद शमी को स्टैंड बाई खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया। ऐसे में BCCI सूत्रों ने कहा था कि मोहम्मद शमी टीम में वापसी कर सकती हैं, लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के दौरान उनके प्रदर्शन पर नजर रखी जाएगी, और अगर वह शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब होते हैं तो टीम इंडिया में उनकी वापसी होना तय माना जा रहा था। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले मोहम्मद शमी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और मोहम्मद शमी के उम्मीदों पर एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज से पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है, और साथ ही अब वह पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा माना जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज से पहले मोहम्मद शमी शायद फिट होकर के वापस लौट सकते हैं और उनकी रिपोर्ट का तब भी टेस्ट किया जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज से वो पूरी तरीके से बाहर हो गए हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 20 सितंबर से मुकाबला शुरू होगा, दूसरा मुकाबला 23 सितंबर को खेला जाएगा, तो तीसरा मुकाबला 25 सितंबर को होगा। ऐसे में मोहम्मद शमी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मोहम्मद शमी की बात करें तो उन्होंने अब तक कुल 17 T20 मुकाबले खेले हैं, जहां उनके नाम 18 विकेट हैं और उनका इकोनॉमी 9.54 का है। बात करें अगर मोहम्मद शमी के रिप्लेसमेंट की तो उमेश यादव को मोहम्मद शमी के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। मोहम्मद शमी के बदले उमेश यादव को टीम में शामिल किया जा सकता है और उमेश यादव को टीम में जगह मिल सकती है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वह खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बहरहाल BCCI की तरफ से किसी भी तरीके की अपडेट आना अभी बाकी है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो यह कंफर्म रिपोर्ट है कि मोहम्मद शमी बाहर हो गए हैं। अभी देखने वाली बात होगी किस खिलाड़ी को उनके बदले रिप्लेस किया जाता है और मोहम्मद शमी कब तक फिट होकर टीम इंडिया में वापसी करते हैं। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।